इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दिल्ली फसाद को लेकर कई सारे सवालात। दिल्ली फसाद क्या पूर्व नियोजित यानी पहले से तयशुदा था? अब तक तकरीबन 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। शायद दिल्ली की तारीख में ऐसा फसाद नहीं देखा होगा। कैसे नफरत की आग में इंसानियत को झोंकने की कोशिश की फिरका परस्त दरिंदों ने। अब तक असल फसादी गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें दंगाइयों के साथ पुलिस खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन ने भाजपा के लीडरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ना होने पर फटकार लगाई थी, क्योंकि दिल्ली फसाद के असली मुजरिम भाजपा का ही परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा हैं, जिनके अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ऐसा सवाल जस्टिस एस मुरलीधरन करते हुए पुलिस रवैये पर भी सवाल उठाए थे। और बरोज जुमेरात सुनाई होनी थी, पर जिस तरह विपक्ष का कहना है कि इस फसाद में भाजपा अमित शाह सीधे जिम्मेदार है, इन पर कार्रवाई हो और खुद गृह मंत्री फसाद की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दे। विपक्ष का कहना इस बात को यकीन में बदलता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो मोदी हुकूमत के मातहत आती है, और इसी दिल्ली पुलिस पर जस्टिस मुरलीधरन ने तंज कसा है। अब इनका तबादला किया गया, यानी जब आप सरकार से सवाल करोगे या इन्हें जिम्मेदार ठहराओगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। यही पैगाम फिर से मोदी शाह हो या अजीत डोभाल ने एक तरह से इशारा दिया है। वादर है कि जस्टिस एस मुरलीधरन ने भोपाल गैस मामला, नर्मदा मामला, सिख फसाद मामले में सख्त फैसले लिए थे, और अब दिल्ली फसाद को लेकर उन्होंने अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, फसाद मुतासिर जगहों का दौरा किया, हर जगह पर पहुंचकर भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रहे थे। मुस्लिम इलाकों में जाकर इंशाअल्लाह सब ठीक होगा कह रहे थे। इसे भी कईयों की जानिब से ड्रामा कहा जा रहा है। जब यमुना पार के मुसलमानों ने अजीत डोभाल से कहा कि आरएसएस और अमित शाह के कहने पर फसाद हुआ है, तो इन्होंने क्या कहा ये भी बड़ा सुनने के काबिल है। जितना मेरे कान सुन सकते हैं उतना ही कहो। पर जब खातून बोलती ही गई तो वह उस जगह से यानी कि अजीत डोभाल वहां से निकल गए। अजीत डोभाल अहम शख्सियतों में से हैं और वजीर आजम मोदी के बिल्कुल खास कहा जाता है। महाराष्ट्र के मनसे के सदर राज ठाकरे ने पुलवामा हमले में अजीत डोभाल की तफ्तीश की मांग की थी। खैर, कईयों का कहना है कि आखिरी उम्मीद अदालत भी सियासी साजिशों की जद में आ चुकी है। यह भी याद दिलाता चलूं कि गुजरात फसाद के वक्त इसी तरह से जजों का तबादला और फाइलों का गायब होना जैसी वारदातों को अंजाम भी दिया गया था, और तब भी मोदी शाह की यही जोड़ी वहां पर इख्तदार पसीर थी। पर सवाल यह उठता है कि अब तक 35 से ज्यादा अपराधों की जाने चली गई, गरीबों के घरों को राख में तब्दील कर दिया गया, और फसादियों की गिरफ्तारी पर इस तरह घिनौना खेल और इनका तहफ्फुज करना क्या सही है? क्या वाकई इस देश की जनता फसाद के शोलों में दहकती आग के लहरों में शहरों को झुलसता देखना चाहते हैं? जब सभी जानते हैं कि हकीकी फसादी कौन है और किन मासूमों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या यह सही है? क्या हमारा देश जलते हुए अंगारों में तरक्की करेगा? पूरी दुनिया में भारत की तहजीब गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। उसी राजधानी दिल्ली में फिरका परस्त मोहब्बत भाईचारे को जलाकर राख करने की कोशिश करते हैं, जैसा विपक्ष का कहना है। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि इसके लिए गृहमंत्री भाजपा मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर यह सच माना जाए, आखिर इंसाफ के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दी जाए? अमीर कजलबाश का शेर है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था कि हमारा ही कसूर निकलेगा। किसी एक मखसूस तबके को निशाना बनाने से, इन्हें डर खौफ के साए में रखने से क्या मुल्क तरक्की करेगा या भाईचारा मोहब्बत अमन देश को तरक्की की राह पर ले जाएगा? इख्तदार पर बैठे सियासतदानों को
समझने की जरूरत है कि आग, धुआं, पत्थर, जलते शोले हर चीज को जलाकर राख करती है। अकलियतों के दिलों के भरोसे के जरिए जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।